ताहे नील शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मुआरत नलिनी बन कु कर दलन आहे नील शैल। तो हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि भगवान और गुरु की कृपा से हमें जगन्नाथपुरी धाम में साधु संग करने का अवसर मिला। और इतना सुंदर धाम है, ये शास्त्र में बताया गया है कि जो धाम होते हैं वो वैकुंठ हैं, वैकुंठ से अभिन्न हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सुंदर काजू के पेड़ हैं समुद्र किनारे। हरी बोल, हरी बोल। तो हम लोग जगन्नाथपुरी में हैं और ये समुद्र है महातीर्थ। क्या है? महोदधि। महोदधि, यहाँ पे श्रील हरिदास ठाकुर जी का समाधि में समाधि है। तो में इस तरफ है समाधि। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर स्नान किए थे इसी समुद्र में, रोज करते थे। और ये महादधि नाम से तीर्थ है, सारे तीर्थों का संगम है। हरी बोल, हरी बोल। तो अभी हम जगन्नाथपुरी में हैं, जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, हरी बोल। चलो चलो, अभी हम मेन द्वार पे जाएंगे जहाँ पर पतित पावन का दर्शन होगा। तो हम पतित हैं, हम अंदर जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार का नियम है, जो केवल भारत में जन्मे हैं हिंदू वही अंदर जा सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, द्वार पे खड़े रहते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तो आपको पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन होगा और मंदिर का थोड़ा बाहर से भी दर्शन करा देंगे। Krishna, Mani, Jiva, Jamu.
बड़ी जाओ जीव मोती धरो राधा धोबो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने दोस्ती किया है। क्या नाम है कौन सी? मेरा नाम है गोपाल महापात्र। गोपाल, मेरा नाम सुदामा, तो आप जानते ही हैं। गोपाल और सुदामा बचपन में दोस्त थे, कृष्ण और सुदामा। कृष्णा और सुदामा। तो प्रभु जी यहाँ के पंडा है, पुजारी है, उनके बेटे हैं। बहुत 19 साल से जगन्नाथपुरी में ही रह रहे हैं, धामवासी हैं। तो थोड़ा आप बताइए थोड़ा सा पुरी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में। पुरी में देखिए जगन्नाथ जी सब कुछ है, पूरा विश्व में जगन्नाथ सब कुछ है। ठीक है, हम गर्व है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, क्योंकि हम पुरी में रहते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके करीब रहने का वो सौभाग्य मिला है हमें। इसलिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जगन्नाथ जी हमारे पास है, हम जब चाहे उन्हें आकर देख सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही प्राउड है। और यहाँ पे बारे में अगर बताऊं तो जगन्नाथ धाम ये आजकल का मंदिर नहीं, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये उस समय का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु उस समय यहाँ पर भी रहते थे, यहाँ पे आते थे, उस समय का मंदिर है। अभी कलयुग के नाते वो पत्थर बन चुके हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते, उनके सोने के चीज को भी हम नहीं देख पाते, उन्हें हमें पापी नजरों से पत्थर दिखता है। ठीक है, और बताओ यहाँ पे जगन्नाथ खाना खाते हैं, उनको यहाँ पे भोग चढ़ाया जाता है हर दिन। कितने बार यहाँ पे भगवान को 56 प्रकार के भोग हर दिन लगते हैं। ठीक है, दाल भात भोग, खिचड़ी भोग, लेके खाजा लड्डू भोग तक भी यहाँ पे लगता है हर दिन। हर दिन यहाँ पे ध्वजा बदलता है, हर दिन 4:30 बजे ध्वजा बदलता है। जिस भी दिन नहीं बदलता उसी दिन जगन्नाथ 12 साल पूजा नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर हर 12 साल 18 साल में जगन्नाथ का शरीर परिवर्तन किया जाता है। पुराना नवा कलेवर होता है, जो पुराना शरीर का दिल है वो नए शरीर में लगता है। ठीक है, और रथ यात्रा के बारे में, रथ यात्रा यहाँ पे तो यहाँ पे रथ यात्रा हर कोई जानता है। बाहर भक्त और भगवान का बाहर से मिलन होता है, भक्त और भगवान के बाहर से मिलन होता है, भगवान भक्त का। और जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, जगन्नाथ जी बाहर बैठते हैं, अपने मौसी के घर जाते हैं, घूमते हैं, फिर 8-10 दिन रहकर आते हैं फिर से अपने घर। फिर वहाँ पे सुना बेस होता है जगन्नाथ के, फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं, फिर जैसे ही रीति चलना रहता है। 3 रथ में, 1 रथ में जगन्नाथ, 2 रथ में सुभद्रा, 3 रथ में बलराम भक्त। आप एक बार अपने मुख से सभी को इनवाइट करें, जगन्नाथपुरी आए जगन्नाथ जी का दर्शन करें, सभी को इन्विटेशन दीजिए। जय जगन्नाथ, यहाँ पे मंदिर में आइए, धाम है यहाँ पे, प्रणाम। घूमने से आपका सारा पाप सारा खेम सब घूम जाएगा, आप हर जगह घूमते हो, इधर घूमने से आपको मुक्ति मिलेगी, जो भी पाप कर्म किए थे वो आपको यहाँ पर कटेगा। यहाँ पे जगन्नाथ धाम, ये चारों धाम है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ धाम चारों धाम में। कलयुग में मुख्य धाम है जगन्नाथ, कलयुग में मुख्य धाम है जगन्नाथ धाम। और इधर जगन्नाथ प्रसाद झूठा नहीं होता, जगन्नाथ प्रसाद अभी झूठा नहीं होता, सभी एक दूसरे के मुंह से खाते हैं, सभी एक दूसरे मुंह से खाते हैं। यहाँ पे खाना कभी बचता नहीं है, एक के ऊपर एक 8 हंडी से रसोई किया जाता है, और पहला सबसे टॉप वाला हंडी ही पहले गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ध्वजा है वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में उठती है, और यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी प्लेन नहीं उठता है, क्योंकि ये नो फ्लाई जोन में आता है, और इसके ऊपर कभी भी कोई चिड़िया भी बैठती नहीं है। ईगल फ्लाई दो एंड कैन फ्लाई इन दिस टेम्पल। ठीक है गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का नाम भी बताओ, मैं भी सब्सक्राइब करूंगा घर में जाके। ब्रेव वैल्यू एजुकेशन, ब्रेव वैल्यू एजुकेशन, ब्रेव मतलब साहसी, वैल्यू एजुकेशन। ये वीडियो क्या भाई, और एक हफ्ते में आ जाएगी, एक हफ्ते में आ जाएगी, आप चेक करना। तो आप भी जगन्नाथपुरी धाम आ सकते हैं, ये भारत में बहुत ही विख्यात तीर्थ स्थान है, 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी धाम। और यदि हम भक्ति भाव के साथ, भगवान के सेवा भाव के साथ और भगवान के भक्तों के साथ यदि आते हैं, तो धाम का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं, इस वैकुंठ वातावरण का अनुभव कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। क्या आपको पता है कौन सा पौधा है? देखो अब बताओ कौन सा पौधा है। इसको बोलते हैं छुई मुई। देखो ध्यान से देखो, फोकस ठीक करो। इसको छूने से क्या होगा? देखो नहीं, बंद हो जाता है।